11 लोगों की हमारी कमेटी है। हमने आपको इसलिए बुलाया है आज कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन सन 1972 में, जब तक GDA का जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे बहुत प्रिय नेता, दलितों के बहुत प्रिय नेता, बहुत ही श्रद्धेय श्री BP मौर्य साहब ने, जिनकी समाधि भी वहाँ पर बनी हुई है, उस तरफ देखेंगे समाधि भी उनकी है, उन्होंने 1972 में इस एसोसिएशन का निर्माण किया, रजिस्टर कराई, और ये जमीन सरकार की तरफ से इस एसोसिएशन को सामाजिक काम के लिए दी गई, विशेषकर जो दलित समाज के जो बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए, हॉस्टल बनाने के लिए ये जगह दी गई। लेकिन उसके बाद में इसमें सारी बाउंड्री वाल आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये टोटल जो जमीन है 7.25 एकड़ जमीन है, लगभग 36,000 वर्ग मीटर ये जमीन है। और फिर समाज ने पैसा इकट्ठा करके ये चारों तरफ जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची 7-7, 8-8 फुट वाली, ये सारे पैसा समाज के लोगों ने लगाया। ये जो बिल्डिंग है जो GDA तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और फाउंडेशन स्टोन जो 1986 में तत्कालीन जो भारत के राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जैल सिंह साहब, उन्होंने वहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। उसके बाद यहाँ के जो सांसद रहे श्री सुरेश चंद गोयल जी, उन्होंने भी यहाँ पे बुद्ध प्रिय मेमोरियल कॉलेज बनाने की एक नींव रखी। इस तरह से काम चलता रहा। तो BP मौर्य साहब द्वारा सोसाइटी जो बनाई गई उसकी ये जमीन है। आप सबको इसलिए बुलाना पड़ा है कि 14 जनवरी को नवभारत टाइम्स का ये जो गाजियाबाद का एडिशन है, इस एडिशन के विषय में, इस एडिशन में, इस जमीन के विषय में बड़ी गलत न्यूज ये नवभारत टाइम्स वालों ने छापी जी। ये 14 जनवरी का है गाजियाबाद एडिशन, और उनका कहना है नवभारत टाइम्स वालों का कि ये GDA की खाली पड़ी जमीन है, ये जमीन GDA की नहीं है, ये जमीन अंबेडकर यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की है, और अंबेडकर यूथ सेंटर के नाम से इसे सब लोग जानते हैं, पूरा शासन प्रशासन जानता है, GDA भी जानता है। लेकिन GDA ने एक दुस्साहस किया इसका अलॉटमेंट कैंसिल करने का, और हमने उसके विषय में एसोसिएशन की तरफ से गाजियाबाद कोर्ट में एक मुकदमा डाला गया, जिसमें कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, और उसी स्टे के चलते हुए ये सारी बातें हुई हैं। ये आज भी जमीन एसोसिएशन की है, और ये क्योंकि विवादित मामला GDA करने का प्रयास कर रहा है, जिसका हमने एसोसिएशन की तरफ से गाजियाबाद कोर्ट में मुकदमा डला हुआ है, और कोर्ट से बाकायदा स्टे है, तो ये ना समझे कोई कि GDA की जमीन है, खाली पड़ी है, या कोई भी इस पर कब्जा कर लेगा, या कोई भी किसी तरह की कोशिश करेगा। एसोसिएशन की जमीन है, एसोसिएशन को पूरा अधिकार है हर तरह की लीगल कार्रवाई इस पर करने का। आप सभी साथियों को इसलिए बुलाया गया है कि कुछ RSS और संघ की मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो आज केंद्र में और राज्य में बैठे हैं, सरकार में, और बाकी जो इनके तत्व हैं, वो हर सूरत में इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, इस जमीन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो ये एसोसिएशन और ये पूरा दलित और बहुजन समाज किसी कीमत पर होने नहीं देगा। हमने इसीलिए आपको बताया है, बुलाया है, ताकि ये जानकारी सबको रहे, कोई गलत फहमी में ना रहे, ये जमीन GDA की नहीं है, ये जमीन एसोसिएशन की है, एसोसिएशन के पास है, और मुकदमा कोर्ट में है, कोर्ट से इससे है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। हम क्योंकि संविधान के मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं, सारी कार्रवाई हम कानून के अंतर्गत करते हैं, उसी के तहत सारी कार्रवाई करते हैं, इसलिए हम कोई बाकी चीज़ें नहीं करते। पर क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से, कुछ उपद्रवी तत्वों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है जमीन को हड़पने की, वो होने नहीं देगी, इसीलिए बहुजन मीडिया के साथियों को बुलाया गया है, ताकि सबको ये जानकारी रहे।
आपने देखा है कि वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो उस तरफ है जो लगा हुआ पत्थर फाउंडेशन, वो ज्ञानी जी ज्ञानी जैल सिंह साहब जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे 1986 में, उनके द्वारा है। ये बीपी मौर्य साहब द्वारा आप सामने देख रहे होंगे जो पत्थर लगा हुआ है, ये उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया हुआ है। ये पूरी जो जगह है, क्योंकि इतनी जगह ये उनकी संघी लोगों के दिमाग में खटक रही है और वो इस पे कब्जा करना चाहते हैं, ये कहानी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये सच्चाई दुनिया को बताएं कि ये जमीन अंबेडकर यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन की है और अंबेडकर यूथ सेंटर के नाम से है। कोर्ट में केस है, स्टे है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, जो कानून का फैसला होगा हम सब उसको मानेंगे। अब आप जो भी साथी कोई भी सवाल इसके विषय में पूछना चाहें, आपका स्वागत है। पत्रकार साथियों को आप पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। सर, क्या कारण है जो शोषित समाज और माइनॉरिटी के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है, क्या कारण? नहीं, देखिए, इसका कारण मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं और आप हर तरफ देख रहे हैं। ये जब से केंद्र में और अब उत्तर प्रदेश में राज्य में, ये जब से आरएसएस भाजपा और संघियों की सरकार आई है, तब से ये हर जगह जो बहुजन समाज है, दलित शोषित पीड़ित समाज है, उसका हक मारने का प्रयास ये लगातार कर रहे हैं और कोई मौका चूकते नहीं है। आपने देखा होगा, अभी हमने 3 दिन पहले जो दिल्ली में बहुत बड़ा हमने एक आंदोलन किया, जो 13 पॉइंट रोस्टर इन्होंने यूनिवर्सिटी में लागू किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मोहर लगा दी, और सरकार कुछ नहीं कर रही, यहां तक कि बजट में भी उस तरह की उस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो है बहुजन समाज को, शोषित पीड़ित समाज को दबा के रखने वाली जो मानसिकता है इन सरकारों की, संघियों की सरकारों की, ये उसके तहत काम है। लेकिन हम किसी भी हालत में उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा बहुजन समाज इस बात के लिए इकट्ठा है, वो अब अपना हक किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। जी अच्छा, जिस तरह से बिल्डरों की एक तरह से नजर इस जमीन पर बनी हुई है, काफी कॉस्टली जमीन है अगर देखा जाए, लेकिन कहां कमी रह गई है कि जो यहां की जो संस्था है जो इस जमीन की लड़ाई लड़ रही है बचाने को लेकर, उसमें क्या कमी रह गई है कि जो अभी तक इस चीज को जो जिस तरह से बनाया हुआ है पूरा, उसको स्थापित करने में, मतलब यथास्थिति बनाए रखने में भी कहीं ना कहीं वो नाकामयाब। देखिए, जो आप कह रहे हैं बात आपकी बिल्कुल जायज है, सवाल आपका जायज है। हमारी जो इस समय वर्तमान एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन अब से 4.5 साल पहले आई है, और 4.5 साल पहले जब ये एसोसिएशन आई है तो इसने सारी लीगल कार्रवाई जिस तरह से होती है वो लीगल कार्रवाई की है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की थोड़ी जो भी बात रही है उसके पीछे कई कारण रहे हैं। वो अब से पहले जो भी एसोसिएशन थी जो 40 साल का पूरा वो रहा, कहीं ना कहीं जो कार्यकारिणी थी उसके कहीं एफर्ट्स में, प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, सब चीजें। नहीं, बिल्डरों की इस पर काफी पैनी नजर है, नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि जमीन जो है उसके काफी रेट को देखते हुए, या ये मान लीजिए कि जीडीए की सक्रियता को देखते हुए, जब यहाँ पर आरोप ये लगाया गया था कि जो संस्था है वही बिल्डरों के संपर्क में है, इस तरह के भी आरोप, इनमें क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये आरोप तो सरासर गलत है। संस्था कोई भी, जीडीए ने आरोप लगाया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अंदर रह रहे थे, उनको जब निकाला गया था, जीडीए ने वो लोग यहाँ से निकाल कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया था इस अंबेडकर यूथ सेंटर से, तभी जीडीए ने किसी को भी यहाँ से निकाल कर बाहर नहीं किया, था ही नहीं कोई भी अंदर। जीडीए रात में आई और रात में ये तोड़कर गेट गई है, ये रात में आई है और मेरे पास इसकी सारी रिपोर्टिंग है, चौकीदार है यहाँ पे, सारा सब कुछ है। अच्छा, चौकीदार था यहाँ, जी चौकीदार रहता है। जीडीए क्या है, अपनी गलती को या उसकी जो गिद्ध नजर है बिल्डरों के साथ मिलके, उसको जो सही दिखाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। बेसिकली जो नजर है वो जीडीए में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनकी है, जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, और बिल्डरों के साथ मिलके इन असमंजित, कोर्ट की आज की तारीख में स्थिति यह है, यथास्थिति बनाए रखना कि जैसी आज है ये ऐसी ही बनी रहेगी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा। मैंने बताया आपको, कोर्ट का फेंक दिया गया, और भी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है। नहीं, देखिए, इसके विषय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनता है ना, निश्चित नहीं, इसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह सकते हैं, बनता भी है, लेकिन ये सारी की सारी साजिश है, क्योंकि सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है और सरकार राज्य में भी बीजेपी की,
भी है और सारे जीडीए में सब जगह अधिकारी उनके हैं, ये सब उनकी करामात है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा कि बराबर से नाला खुदा है तो उसका नाले से जो भी वो मिट्टी निकली है वो भी यहाँ फेंक दी है, लेकिन हम वो जरूर करें, हम अपनी तरफ से किसी भी तरह का जो कोर्ट का आदेश है उसकी अवमानना नहीं करेंगे। कोर्ट का आदेश है कि जमीन पे यथास्थिति बनी रहेगी, हम उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। अब क्या, अब किस तरह की लड़ाई होगी, क्योंकि अब आप कह रहे हैं, खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले कुछ कमियां रही थी संस्थागत, अब क्या नई रणनीति होगी? देखिए, जब से हमारी ये नई कार्यकारिणी आई है 4.5 साल पहले, हमने सारी चीजें बिल्कुल लीगल जिस तरह से होती हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार में हो और चाहे जो है कोर्ट में हो, हमने सब कुछ लीगल तरीके से किया है। लीगल तरीके से इसके जो है हमने मेंबरशिप खुलवाई, मेंबरशिप खुलवा के मेंबर बने, पूरा इसका इलेक्शन हुआ, वीडियोग्राफी हुई, सारी चीजें रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पे और कोर्ट में सारी चीजें हैं, और अभी भी जो भी कुछ होगा लीगल तरीके से ही होगा, संवैधानिक तरीके से ही होगा, प्रजातांत्रिक तरीके से ही होगा। हाँ, इस बात की मैं चेतावनी जरूर देना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी, चाहे वो जीडीए हो चाहे सरकार हो, अगर किसी ने भी कुछ भी असंवैधानिक काम करने की कोशिश की तो हम संवैधानिक तरीके से पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। किसी भी हालत में ये दलित समाज की, बहुजन समाज की, शोषित पीड़ित समाज के बच्चों के लिए, जो तरक्की के लिए, पढ़ाई के लिए जो जगह है, हम इसे सरकार को हथियाने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। तो आगे जो पीसी है आपकी, वो चेतावनी है, हॉस्टल एसोसिएशन पेपर्स के मामले में मजबूत है ना? बिल्कुल मजबूत है। अगर पेपर के मामले में मजबूत नहीं होते तो कोर्ट हमारा पक्ष नहीं सुनती और आउटराइटली हमें रिजेक्ट कर देती। ये बाकायदा कोर्ट में, कोर्ट ने इससे ही तभी दिया है हमें कि जब हमारी सारी लीगल जो पेपर हैं, हमारे जो लीगल पोजीशन है हमारी, वो हमारी स्ट्रॉन्ग है। हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। यदि कोर्ट आपके आपके फेवर में फैसला दे देता है तो आगामी योजना क्या रहेगी? नहीं, अगर जैसे ही कोर्ट हमारे फेवर में ये फैसला देगा तो हम निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई है, ये जमीन पर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारे काम किए जाएंगे, समाज के साथ बैठ के, समाज को पूरा कॉन्फिडेंस में लेके, समाज से निवेदन करके, जिस उद्देश्य के लिए ली गई है वो उद्देश्य पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा किया जाएगा। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस बात को लेकर जीडीए के लिए खासकर एक चेतावनी है? नहीं, इस तरह की, मैं इस बात को आप दोनों तरह से कह सकते हैं, इस बात को आप दोनों तरह से कह सकते हैं कि जो जीडीए या जो नभा टाइम्स वालों ने प्रयास किया है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, हो सकता है नभा टाइम्स वालों की जानकारी में ना हो ये। नहीं, आपने जीडीए के अधिकारी, नहीं, निश्चित रूप से जीडीए के अधिकारी को मैं कह रहा हूँ, ये बिना उसकी हरकतों के नहीं हो सकता। तो ये चेतावनी भी है उनको, और साथ में ये जिन लोगों को जानकारी नहीं है या मीडिया वालों को जानकारी नहीं है, एनबीटी वालों को जानकारी नहीं है, तो उनको ये जानकारी भी है, क्योंकि इससे वो लगता है वो अज्ञानता जो दिखा रहे हैं कि हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, और वो सीधे कह रहे हैं कि जमीन जीडीए की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जमीन जीडीए की नहीं, एसोसिएशन की है, सबकी जानकारी के लिए है, और फिर भी अगर गैर संवैधानिक तरीके से इस जमीन को हड़पने की कोशिश की गई तो ये एसोसिएशन, ये कार्यकारिणी और ये पूरा समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।